हाय गाइस, हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी। तो आइए सीखते हैं बायोलॉजी शुरू से। चैप्टर वन का पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसकी क्या है इम्पोर्टेंस इन फील्ड ऑफ साइंस। बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री डील्स विथ बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। दैट मीन्स बायोकेमिस्ट्री, इन बायोकेमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द बायोमालिक्यूल्स। बायोमालिक्यूल्स मीन्स द मालिक्यूल्स विच मेकअप द लाइफ, एंड दीज बायोमालिक्यूल्स दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एज वेल एज दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, जितने भी, चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये केमिकल्स के बने हुए हैं, और जिन केमिकल्स के बने हुए उनको हम बायोमालिक्यूल्स कहते हैं। और यही बायोमालिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्ट्रक्चर देते हैं, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेली लाइफ में फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ रेस्पायरेशन, फंक्शन ऑफ डाइजेशन, फंक्शन ऑफ एक्सक्रिएशन, जितने भी काम होते हैं, फंक्शन ऑफ सेंसेशन और फीलिंग, लाइक यू नो नर्वस सिस्टम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सेंसेशन, रिप्रोडक्शन, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ये मालिक्यूल्स की वजह से। तो ये बायोकेमिस्ट्री में हम मालिक्यूल्स यानी कि बायो मालिक्यूल्स स्टडी करते हैं और देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकली किस तरह के बने हुए हैं और वो बायोमालिक्यूल्स किस तरह से वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चार पांच पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जिससे उसकी इम्पोर्टेंस शो होगी। नंबर वन, बायोकेमिस्ट्री टेल्स अस द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर यानी कि केमिकली वो किसके बने हुए हैं। Biochemistry tells us about the various functions or processes takes place inside the body. Various processes like process of respiration, how does process of digestion take place, how does process of reproduction takes place, how does process of excretion takes place. ये सारे जो मुख्तलिफ processes हैं living organisms के अंदर, वो हमें biochemistry सिखाती है। बायोकेमिस्ट्री से हम सीखते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे जीन्स यानी डीएनए के अंदर होती है, और ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और वो प्रोटीन जो बनते हैं ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं, और भी केमिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं जैसे हार्मोन्स वगैरह, फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए और जीन्स, एंड दैट इंफॉर्मेशन यू नो इट इज डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ proteins, and these proteins are mainly enzymes which catalyze certain reactions, and when the chemical reaction takes place there is actually the function which takes place. Is it right? Iske alawa hame biochemistry sikhati hai diseases aur medicines ke bare mein. Disease kya hai? Abnormal function. You know, when the living organism or body does not perform well, जब वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते तो उसको हम डिजीज कहते हैं, यानी कि एबनॉर्मल फंक्शन। द एबनॉर्मल फंक्शन इज कॉल्ड एज डिजीज, और ये डिजीज जाहिर है बॉडी किसकी बनी हुई है, केमिकल्स की, और जब केमिकल्स में कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तो उसके फंक्शन में, स्ट्रक्चर में भी एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, यानी डिजीज प्रोड्यूस होगी। और इसी डिजीज की बेसिस पे फिर साइंटिस्ट देखते हैं कि उसकी कौन सी मेडिसिन जो है उससे वो ठीक होगा। तो मेडिसिन भी सर्टेन केमिकल्स ही हैं। तो बायोकेमिस्ट्री आपको बताती है डिजीज क्या है और फिर
कौन सी मेडिसिन से वो डिजीज ठीक होगी। इसके अलावा अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि मॉडर्न टाइम है, बहुत सारी मशीनें और अच्छे अच्छे जो है टेक्निक्स आ गए हैं, तो उससे अब साइंटिस्ट आर एबल टू स्टडी अबाउट द कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट। कैंसर और उसके ट्रीटमेंट के हवाले से भी बहुत सारे। कैंसर क्या है? कैंसर इज ओवरग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। जब एबनॉर्मल सेल्स बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाए और वो ज्यादा बन जाए, अनकंट्रोल्ड मैनर में बन जाए, तो वो कैंसर आगे जाके बनता है। अब जो है, हालांकि अभी तक सही माने में कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अब साइंटिस्ट दे आर होपफुल बिकॉज देर आर लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द टेक्निक्स, दे आर होपफुल टू डेवलप सर्टेन मेडिसिन अगेंस्ट कैंसर। दिस ऑल्सो बिकॉज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हैज इनेबल्ड द साइंटिस्ट यू नो टू स्टडी मोर अबाउट द कैंसर एंड टू डेवलप ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूं हायर एनिमल्स की, मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स की। तो मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स जो है वो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के बने हुए हैं। ऑर्गन्स किसके बने हुए हैं? टिश्यूज के। टिश्यूज किसके बने हुए हैं? सेल्स के। सेल्स किसके बने हुए हैं? सेल्स आर बिल्ट ऑन केमिकल्स। ये जो केमिकल्स मिलते क्या बनाते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। केमिकल्स जो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बायो मॉलिक्यूल्स किसके बने हुए हैं? एलिमेंट्स के। छह एलिमेंट्स हैं जो लिविंग सिस्टम में कसरत से पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। और ये सारे एलिमेंट्स मिलकर तकरीबन 98% बनाते हैं बॉडी के अंदर। 98% यू नो पीरियडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 115 से तो ज्यादा है, लेकिन ये छह एलिमेंट्स आपके लाइफ बनाते हैं। तकरीबन 98% बॉडी में ये छह एलिमेंट्स मौजूद है। बाकी जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो वो 2% में आ जाते हैं। तो एलिमेंट्स किसके बने हुए हैं? एलिमेंट्स आपके बने हुए हैं एटम्स के। और अगर एटम्स को हम देखेंगे आगे, ये बने हुए हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अब हम यहां इस तरफ से जाएं बेस से, तो बेस क्या है? द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यू नो द लाइफ इज बिल्ट ऑन केमिकल्स। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स मिलके एटम्स बनाते हैं। एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स। और कौन से छह एलिमेंट्स जो ज्यादातर पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ये एलिमेंट्स और इनके एटम्स आपस में मिलके बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो जिंदगी का आगाज होता है सेल से। अब कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे, जिसको हम देख भी नहीं पाते, और कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीसेल्यूलर हैं। तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं? जब सेल्स मिलते हैं आपस में, वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और फिर एक ऑर्गेनिज्म का, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का वजूद आता है। सो दैट्स ब्रीफ यू नो इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब हम आगे जाके देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। सो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल समझने के लिए सेल से शुरुआत करते हैं। सेल बने हुए होते हैं प्रोटोप्लाज्म के। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, एंड दैट इज द लिविंग पोर्शन ऑफ सेल।
अब ये मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल की, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता नहीं, लेकिन वहां पर न्यूक्लियर मटेरियल होता है। तो वहां पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर मटेरियल, दैट मेक्स द प्रोटोप्लाज्म। सो सेल्स, इंडिविजुअल सेल, इट कंटेन्स द लिविंग पोर्शन नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ मॉइस्चर यानी वाटर, दैट इज 70-90%। तो एक सेल के अंदर या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप जो बने हुए हैं, आप में क्या है, 70-90% वाटर है, और बाकी जो वेट है दैट इज कॉल्ड एज ड्राई वेट। अगर हम पानी निकाल दें, मॉइस्चर निकाल दें, तो वाट एवर लेफ्ट दैट इज कॉल्ड एज ड्राई वेट। और ड्राई वेट कितना होता है, 10-30%। और इस ड्राई वेट के अंदर क्या होता है, ड्राई वेट के अंदर होते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स, एंड दिस बायो मॉलिक्यूल्स दे आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। और कौन से एलिमेंट्स हैं, बेसिकली 6 एलिमेंट्स जैसे मैंने अभी बताया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ये बनाते हैं 98% ऑफ द टोटल एलिमेंट्स, 98% ऑफ द टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन योर बॉडी। और ये बायो मॉलिक्यूल्स जो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या है, ये लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, एंड दिस लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दे आर कॉल्ड एज पॉलीमर्स। क्या कहते हैं उनको हम, पॉलीमर्स, एंड दीज आर डिफरेंट टाइप्स इन द सेल। दे आर नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 3 फैट एंड लिपिड्स, नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड्स। नाउ दीज आर एक्चुअली द बायो मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट। इसके अलावा पांचवें नंबर की अगर हम बात करें तो होते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मीन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जो कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स मिलकर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आपस में मिलकर, तो ये कॉन्जुगेशन हो गई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की। जैसे प्रोटीन और लिपिड्स मिल गए तो लाइपोप्रोटीन बन गए। जैसे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स मिल गए तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बन गए। इस तरह से ये आपस में मिलकर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। तो देर आर बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। और क्योंकि ये बायो मॉलिक्यूल्स लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनको हम पॉलीमर्स कहते हैं, या मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या मेगामर्स कहते हैं। ये 3 लफ्ज याद रखें, ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। कौन से 3 लफ्ज, लिसन वंस अगेन, पॉलीमर्स, पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट, क्योंकि ये बहुत सारे जो एक एक यूनिट है, छोटे यूनिट वो मिलते हैं तो पॉलीमर्स बनते हैं। या मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मींस बड़ा मॉलिक्यूल, यानी ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तीसरा लफ्ज कौन सा याद रखना है आपको, मेगामर्स, मेगा मींस लार्ज एंड मर मींस यूनिट, बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सिंपल यूनिट्स। तो आइए देखते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स अगर ये मेगामर्स हैं, पॉलीमर्स हैं, तो इनके मोनोमर्स कौन से हैं, व्हाट आर मोनोमर्स। आगे हम डिटेल में सीखेंगे कि इनके मोनोमर्स कौन से होते हैं, लेकिन यहां पर देखते हैं कि इनके मोनोमर्स कौन से। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स के मोनोमर्स क्या है, अमाइनो एसिड। और कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट की मुख्तलिफ इकसाम होती है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मोनोसेक्राइड हैं, यानी कि बेसिक जो सिंगल यूनिट्स होते हैं। और ये मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड। तो 2 से 10 तक उसको हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं, और 10 से अगर ज्यादा मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो फिर वो पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं।
देखें कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहते हैं, और जो बड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसेकराइड और ओलिगोसेकराइड। और ये पॉलीसेकराइड या ओलिगोसेकराइड ये किसके बने हुए होते हैं? मोनोसेकराइड्स के। फैट्स और लिपिड्स की अगर हम बात करें तो फैट्स और लिपिड्स जो है ये बने हुए होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के। न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो वे बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। और क्योंकि न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, अब कुछ चीजें जो है ना आप जब लेक्चर सुने तो कॉपी और पेन लेके बैठा करें और पॉइंट्स नोट किया जाए करते जाए, ठीक है, क्योंकि बाजों का चीजें जो है लिखने में नहीं आती लेकिन वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो आपके बुक में है स्पेशली। तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, एक है डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में पाए जाते हैं उसको कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और जो न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए में पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर्स हैं, इसके बेसिक यूनिट्स यानी मोनोमर्स वो हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और ये न्यूक्लियोटाइड्स दो तरह के होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए में पाए जाते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो आरएनए में पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स पर। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्योंकि इनके ही जो है प्रोटीन और मिक्स होके बनते हैं तो इनके अंदर मोनोमर्स डिफरेंट होंगे जाहिर है, सो दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। इज राइट। अब आगे देखते हैं इनके अंदर लिंकेजेस कौन से पाए जाते हैं, यानी ये जो मोनोमर्स हैं ये देखें ये दो मोनोमर्स हैं ये आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान कोई बॉन्ड या लिंकेज बनता है। तो डिफरेंट मोनोमर्स के दरमियान जो ये डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट पॉलीमर्स हैं प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो इनके डिफरेंट मोनोमर्स हैं और डिफरेंट मोनोमर्स के दरमियान डिफरेंट लिंकेजेस बनते हैं। अब आइए देखते हैं जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं तो अमाइनो एसिड के दरमियान जो लिंकेजेस बनती हैं उनको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। लिंकेज या बॉन्ड एक ही बात है, दैट मींस द बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर्स। मोनोसेक्राइड्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो जो लिंकेजेस बनती है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। रिपीट करते जाए, हाँ, कौन से लिंकेजेस बनते हैं मोनोसेक्राइड में? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन से? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। फैट्स और लिपिड्स आपस में मिलते हैं, बनते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलने से। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब मिलते हैं तो लिंकेजेस जो बनती है उसको कहते हैं ईस्टर लिंकेज। कौन से है ये? ईस्टर लिंकेज। केमिकली ये लिंकेजेस किस तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरली किस तरह के होते हैं, जब हम इंडिविजुअली प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट और लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सिंपली हम समझने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से बारे में मौजूद है और अगर ये पॉलीमर्स हैं तो कौन से मोनोमर्स के बने हुए हैं और जो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान कौन सी लिंकेजेस बनती हैं। अच्छा, तो न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं इनके अंदर भी ईस्टर लिंकेज बनती है लेकिन इसके अंदर जो ईस्टर लिंकेज होती है वो फास्फेट के साथ होती है तो उसको कहते हैं फास्फो ईस्टर लिंकेज। कौन सी लिंकेज बनती है? फास्फो ईस्टर लिंकेज। तो ये दैट्स ऑल अबाउट यू नो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मॉइस्चर और ड्राइवेट का बना हुआ है, मॉइस्चर 70-90% है, ड्राइवेट 10-30% है, फिर ड्राइवेट के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एलिमेंट्स के बने हुए हैं, एलिमेंट्स 6 जो है 98% होते हैं, कौन से? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस। पॉलीमर्स कौन से हैं? प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड एंड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने हुए इनके दरमियान पेप्टाइड लिंकेज होती है। कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड्स के बने हुए, कार्बोहाइड्रेट्स जो बड़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं और पॉलीसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स के बने हुए हैं वो
उनके अंदर ग्लाइकोलिसिक लिंकेजेस होते हैं। फैट्स और लिपिड्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिक यूनिट्स इनके कौन से हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, और इनके दरमियान एस्टर लिंकेजेस होती हैं। न्यूक्लिक एसिड्स किसके बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए, और उसके अंदर सो प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट सेल्स, मुख्तलिफ सेल्स में हम यहां मतलब कंपेयर करने जा रहे हैं। जैसे एक मल्टी सेलुलर एनिमल है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, मंकीज है, काउज, बफेलोज, जो मेमल्स जिसको हम कहते हैं, मेमल्स वो यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और जिनकी खाल या स्किन पे बाल होते हैं उनको मेमल्स कहते हैं। ये मतलब बायोलॉजी के अंदर इसको हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। किसको? मेमल्स को, जो कि बहुत ही समझदार होते हैं। और मेमलियन हमने सेल लिया एक, और दूसरा हमने यूनिसेल्युलर, और वो भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर यानी बैक्टीरियल सेल लिया है। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं इनके केमिकल कॉम्पोजिशन को, कि इनके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं और उनकी परसेंटेज या प्रोपोर्शन कितनी होती है। देखिए हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, एक बहुत ही छोटे सेल को एक बहुत ही बड़े ऑर्गेनिज्म के सेल से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए कि बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेल्युलर, उनके जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं और उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो आइए देखते हैं। देखो आपको मतलब एक क्वेश्चन होगा कि सर हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल की केमिकल कॉम्पोजिशन को मेमोरियन सेल की केमिकल कॉम्पोजिशन से, क्यों कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि बेसिकली आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव सेम बेसिक कॉम्पोजिशन। सो लुक हियर, बैक्टीरियल सेल हो चाहे मेमोरियन सेल हो, देखें वाटर की प्रोपोर्शन दोनों में सिमिलर है, तकरीबन 70-70। प्रोटीन देखें बैक्टीरियल सेल में 15% है तो मेमोरियन सेल में 18% है तकरीबन। कार्बोहाइड्रेट्स, इसको CHO से भी जाहिर किया जाता है कभी कभार, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल में 3% है, मेमोरियन सेल में 4% है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी दोनों में पाए जाते हैं और प्रोपोर्शन भी मोर और लेस सिमिलर है। लिपिड्स 2% बैक्टीरियल सेल में और मेमोरियन सेल में 3%। डीएनए और आरएनए का ज्यादा फर्क होता है, हालांकि डीएनए ज्यादा होता है मेमोरियन सेल में, देखें डीएनए बैक्टीरियल सेल में 1% है और मेमोरियन सेल में 0.25% है, तो परसेंटेज के हवाले से कम होता है। ओवरऑल अगर हम काउंटिंग के हिसाब से बात करें तो जाहिर है बैक्टीरियल सेल में सिर्फ एक डीएनए होता है, ह्यूमन सेल में 46-23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स और उसके अंदर पता नहीं कितना डीएनए होता है, तो अमाउंट ज्यादा होता है, लेकिन प्रोपोर्शन वाइज अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जो है वो 1% है, मेमोरियन सेल के अंदर 0.25%, आरएनए 6% और 1.1%। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह ये आ जाते हैं, वो दोनों के अंदर 2-2% है। और फाइनली इनऑर्गेनिक आयंस एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, ये आयंस होते हैं, तो ये दोनों के अंदर 1-1% पाए जाते हैं। तो देखें केमिकल कॉम्पोजिशन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग सेल्स की, सेल्स की, वो सिमिलर होती है, बेसिकली सेम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोपोर्शन ऑन एवरेज बेसिस। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, लास्ट टॉपिक है सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे मैंने कहा जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं पॉलीमर्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स यानी मोनोमर्स के बने हुए हैं, तो ये मोनोमर्स किस तरह से मिलते हैं पॉलीमर्स बनाते हैं और पॉलीमर्स किस तरह से टूटते हैं और वापस मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ये जो है सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स। और पहले आ जाते हैं हम सिंथेसिस, तो
सिंथेसिस में देखें आप ये जैसे मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स में क्या होता है, एक तरफ हाइड्रोजन और इसके दूसरे एंड पे हाइड्रोऑक्साइला, ये तकरीबन सारे मोनोमर्स की स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होगी कि उसके एक एंड पे हाइड्रोजन होगा और दूसरे पे हाइड्रोऑक्साइल ग्रुप। अब जब दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो किस तरह से मिलते हैं, देखें ये दो मोनोमर्स हैं तो इसका भी यही है एच और OH। अब इन दो मोनोमर्स में बेसिकली होता क्या है कि एक मोनोमर का हाइड्रोजन ग्रुप और दूसरे मोनोमर का हाइड्रोऑक्साइल ग्रुप ये आपस में मिलते हैं, ये मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना के रिलीज होता है और ये आपस में दोनों मोनोमर्स पे मिल जाते हैं। सो लुक हियर, ये इसका OH है, H चला गया, ये इसका H है, OH चला गया, H और OH कहाँ चले गए, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल बनके रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दो मोनोमर्स मिलते हैं और यहां पर ये इनके अंदर बॉन्ड सिंथेसिस हुई है। तो ये है सिंथेसिस ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर्स, और जब दो मोनोमर्स मिलते हैं तो ये बन गया डायमर, डाय मीन्स टू, व्हेन टू मोनोमर्स यूनाइट टुगेदर व्हाट दे फॉर्म डायमर। अब डायमर में एक और मोनोमर मिला दो, लुक हियर, ये आपका क्या है डायमर है, और डायमर में आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें एक और मोनोमर, ये एक और मोनोमर है, सॉरी एक और मोनोमर इसमें जोड़ रहे हैं। तो देखें क्या होगा कि इस डायमर का हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोऑक्साइल ये आपस में मिलेंगे, इज राइट। तो क्या होगा, एक दो तीन ये आपस में मिल गए, ये अब दूसरा बांध बन गया, ये OH इसका और ये H इसका, प्लस में एक वाटर मॉलिक्यूल और रिलीज हो गया। तो इस तरह से एक एक मोनोमर आता जाएगा मिलता जाएगा, एक एक मोनोमर आता जाएगा मिलता जाएगा, अब ये तीन मोनोमर मिल गए तो क्या बना ट्राइमर, चार मिलेंगे तो क्या बनेगा टेट्रामर, पांच मिलेंगे तो पेंटामर, और बहुत सारे मिलेंगे तो पॉलीमर। तो ये एक पॉलीमर या बड़ा लार्ज बायोमॉलिक्यूल बनता है जो कि प्रोटीन भी हो सकता है अगर मोनोमर्स अमाइनो एसिड है, जो कि पॉलीसेक्राइड भी हो सकता है अगर मोनोमर्स मोनोसेक्राइड है, जो कि लिपिड भी हो सकता है फैट या लिपिड अगर मोनोमर्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मोनोमर डिफरेंट पॉलीमर विल बी फॉर्म्ड, इज दैट राइट। तो ये आपको बात समझ में आई है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि किस तरह से मोनोमर्स आपस में मिलते हैं। अब ये जो मोनोमर मिलते हैं आपस में, ये जो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं इसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, व्हेन मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर केमिकली कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, रिपीट करें, कंडेंसेशन, मैं लिख देता हूं, क्या कहते हैं इसको, कंडेंसेशन, सिंथेसिस को कहते हैं कंडेंसेशन, बिकॉज दे आर कंडेंस्ड
एंड दे यूनाइट टूगेदर एंड देन दे फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल। अच्छा, इस कंडेंसेशन को हम एक और नाम से भी याद करते हैं, इसका दूसरा नाम है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो बेसिकली होता क्या है सिंथेसिस में या कंडेंसेशन में कि दो मोनोमर के दरमियान एक बॉन्ड बनता है, यानी सिंथेसिस होती है बॉन्ड की और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो बाहर निकले तो उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स वाटर, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड विथ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इज दैट राइट? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब इसी तरह से जैसे ये मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बना है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें, वाटर मॉलिक्यूल इसको वापस दे दे इस बॉन्ड के अंदर, अगर हम इसका एच और ओएच वापस दे दे, यानी बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द बॉन्ड विल ब्रेक डाउन एंड टू मोनोमर्स विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दिस ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड एंड रिलीज ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। तो सिंथेसिस यानी कंडेंसेशन के ऑपोजिट क्या है, जैसे ये बने हैं इसी तरह से ये इनकी ब्रेक डाउन होगी। तो जो बनते हैं सिंथेसिस होती है उसको कंडेंसेशन कहते हैं या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। और जब ब्रेक डाउन होगी और पॉलीमर से एक एक करके मोनोमर्स निकलते जाएंगे, मोनोमर कब निकलेंगे, जब हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, ठीक है ना। यहां पर सिंथेसिस में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, लेकिन ब्रेक डाउन में क्या होगा, ब्रेक डाउन के लिए चाहिए वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो वो वाटर मॉलिक्यूल एच और ओएच दे देगा, ग्रुप्स मोनोमर्स को मिल जाएंगे और मोनोमर जो है तो उसके दरमियान जो दो मोनोमर के दरमियान बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा और एक एक करके मोनोमर्स रिलीज होते जाएंगे। एंड दिस ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोलाइसिस। एंड प्लीज रिमेम्बर, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, सो इट्स नॉट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। प्लीज रिमेम्बर, हाइड्रोलाइसिस इज नॉट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, इट इज एक्चुअली breakdown of bond in the presence of water, breakdown of bond between two monomers in the presence of water. Is it clear? तो इस तरह से polymers बनते हैं और टूटते हैं। जब polymers बनते हैं, monomers मिलके जब polymers बनते हैं तो उस process को कहते हैं anabolism। क्या कहते हैं, anabolism, it's an anabolic process, means constructive process, something is formed। और जब इनकी ब्रेक डाउन होती है, पॉलीमर्स टूटते हैं वापस मोनोमर्स में, तो उसको कहते हैं कैटाबोलिज्म, यानी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, यानी टूटने का अमल। पॉलीमर्स जो है वापस मोनोमर्स में टूटते हैं। एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबोलिज्म, यानी जो ये पॉलीमर्स बन रहे होते हैं टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं टूट रहे होते हैं, इन दोनों को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, मेटाबोलिज्म। तो एक और मिसाल देता हूं, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं यहीं पर। जब हम खाना खाते हैं तो खाना आपका यही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स का बना हुआ है, ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये आपके जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं माउथ से होके, तो वहां पर खाने की ब्रेक डाउन होती है, जो ये प्रोटीन्स वगैरह हैं ये अपने मोनोमर्स में टूट जाते हैं। इज इट राइट? तो वहां पर होती है कैटाबोलिज्म और ये टूट के सेल्स तक पहुंचते हैं, सेल्स में ये फिर बिल्डअप होते हैं मॉलिक्यूल्स। हर ऑर्गेनिज्म अपने 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 मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो वहां पर वो बनते हैं, यानी वहां पर एनाबोलिज्म होती है। तो ये मेटाबोलिज्म आपकी बॉडी में होती रहती है हर जगह। थैंक यू वेरी मच, द क्लास इज ओवर, सी यू नेक्स्ट क्लास।